मेडिकल चेकअप, तमाम रिपोर्ट्स क्लियर करार। जराई ने बताया बुशरा बीवी की ईसीजी, इको, अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी की गई। ब्लड टेस्ट करवाने से इनकार किया गया। इनको सिर्फ गैस्ट्रो की मामूली शिकायत है। मेडिकल रिपोर्ट्स की कॉपियां जेल सुपरिटेंडेंट, पिम्स और शौकत खानम अस्पताल को मुहैया की जाएंगी। मुल्क में फिर इंतखाबी माहौल बन गया। कौमी सूबाई असम्बलियों के 21 हल्कों में जिमनी इलेक्शन कल होंगे। एन ए 8 बालचोड़, एन ए 44 डीआई खान, एन ए 119 लाहौर, एन ए 132 कसूर और एन ए 196 कंबर शहदाद कोर्ट में वोट डाले जाएंगे। पंजाब असम्बली के 12, बलूचिस्तान के 2, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के 1-1 सीट पर भी वोटर हक के राहदही इस्तेमाल करेंगे। सिविल आर्म फोर्सेज और पाक आर्मी के दस्ते तैनात करने की मंजूरी। फोर्सेज के दस्ते क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। करता हूं कि तुम्हारे रवैयों से साफ चला रहा है कि क्या अब्दुल्ला के इलेक्शन में भी तुम्हें बदतरीन धांसी करनी है। अगर धांसी का इलेक्शन करके हमने उसको तस्लीम करना है तो इससे बेहतर यह है कि आज इस दर्जे में हम इस हल्के के इलेक्शन के बाइकाट के लिए इलाज करें। जाली मैंडेट से आने वालों का हुकूमत करना नहीं बनता। 2018 से बड़ी धांधली 2024 के इलेक्शन में की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाज का रोड मैप बता दिया। बोले जिस बात को पहले गलत कहा उसको अब गलत कह रहे हैं। तहरीक के कराची और पंजाब जाएगी। तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता, ये तहरीक बढ़ेगी। सियासी सरगर्मियों में रुकावट डाली जा रही है। जिमनी इलेक्शन से कबल कारकुनान के गिर घेरा तंग कर दिया। तर्जुमान पीटीआई रऊ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि इलेक्शन चोरी के लिए इंटरनेट बंदिश का हर बार फिर से अपनाया जा रहा है। मुख्तलिफ आरोप से खाली कागजात पर दस्तखत कराए जा रहे हैं। आवाम कल 8 फरवरी की तरह घर से निकलेंगे। हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। कोशिश होगी जिमनी इलेक्शन में सरप्राइज दें। ये नहीं हो सकता पार्लियामेंट फ्लोर पर सिगरेट पिए, बाजे बजाएं, धमाले डालें। सदर की तकरीर के दौरान पार्लियामेंट को सर्कस बनाया गया। फैसल करीम कुंडी की अपोजिशन पर तनकीद, कहा हुकूमत में ये लोग किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। सूबाई वजीर शर्जील इनाम ईमन ने कहा चंद बेवकूफ़ों ने आवाम को गलत राह पर डाल दिया था। झूठ की सियासत करने वाले आज जेलों में पड़े हैं। कहा पीटीआई ने मुल्क में इंतशार फैलाया, ये अपने दौर का कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। इस मुल्क में चंद बेवकूफों ने अवाम को दूसरी गलत राह पे लगा दिया। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम सबसे ज्यादा महंगाई का मुकाबला कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम सबसे ज्यादा बेरोजगारी का मुकाबला कर रही है। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। 4 कंपनियों पर अमरीकी पाबंदी पर दफ्तर खारजा का शदीद रद्दअमल। तजारती इजारों पर पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक का इल्जाम बिला जवाब करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा हथियारों पर कंट्रोल के दावेदार मुतादित ममालिक को मिलिट्री टेक्नोलॉजी की फरामी में इस्तिस्ना दे चुके। माजी में भी बगैर सबूत पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल से ताल्लुक के इल्जाम में कंपनियों पर पाबंदियां आयद की जा चुकी हैं। मौशी बहाली की हुकूमती कोशिशों में अहम ब्रेक थ्रू। IMF से 6 से 8 अरब डॉलर मिलने की राह हमवार। आलमी मालियाती इदारे ने अगले बेल आउट पैकेज के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुज़ाकरात के लिए वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान पहुँचेगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से मुतालिक मुज़ाकरात किए जाएंगे। IMF के साथ तवील प्रोग्राम करने जा रहे हैं। कम अज़ कम 6 अरब डॉलर का इस प्रोग्राम की तवक्को है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी टीवी को इंटरव्यू, कहा टैक्स नेट बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ है, महंगाई में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में चीनी वज़ीर ख़ज़ाना और खारजा से मुलाकातें। सीपैक के दूसरे मरहले की तेज़ी से तकमील के अज़म का इजहार। चीनी शहरियों पर हमले की मजम्मत। चीनी शहरियों के तहफ़ का अज़म भी दोहरा दिया। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन राइस समेत दीगर से भी मुलाकातें हुईं। अगर शहर में 100 मंजिला 100 इमारतें खड़ी हो जाएं तो रोजगार का मसला खत्म हो जाएगा।
इदारों को गवर्नर हाउस बुलाकर 100 मंजिला इमारतों की तामीर का मंसूबा बनाएंगे। यकीन दिलाता हूँ नक्शा पास कराने में कोई पैसा खर्च नहीं होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में बात की तकरीब में खिताब, कहा लोगों को छत देना, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना बड़ा काम है। जैकबाबाद में गैर कानूनी असलह का मामला, वजीर आला सिंह के मुशीर बावल भैयो ने इस्तीफा पेश कर दिया। कहा जैकबाबाद में पकड़े गए गैर कानूनी असलह से कोई ताल्लुक नहीं, मामले पर गैर जरूरी सियासत की गई, मेरी साख को नुकसान पहुंचाया गया। सिंध हुकूमत वाकई की गैर जानबदाराना तहकीकत का मुतालबा कर दिया। कहा कि तहकीकती रिपोर्ट भी पब्लिक की जाए। कच्चे के डाकुओं के पक्के दोस्त पकड़े गए, पुलिस मोबाइल में जदीद असलहा सिंध स्मगल किए जाने के इंकशाफ से खुलबली। शिकारपुर पुलिस के 3 अहलकार और 4 बैनुल सूबाई स्मगलर्स गिरफ्तार। G3 और SMG 2500 के करीब राउंडर्स बरामद। पुलिस सराय के मुताबिक असलहा कच्चे के डाकुओं को सप्लाई किया जा रहा था, पुलिस वैन सिक्योरिटी के लिए सूबाई मुशीर को दी गई थी। IG सिंध कहते हैं मामले की तहकीकात की जा रही है। कराची में गैर मुल्की काफिले पर हमले की तहकीकात में तेजी, पुलिस हमले में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल के मालिक तक पहुंच गई। शहरी का कहना था इसने कभी मोटरसाइकिल नहीं खरीदी। शनाख्ती कार्ड जालसाजी के जरिए इस्तेमाल किया गया। एक हमलावर की शनाख्त पंजगोर के सुहेल के नाम से हुई। ताल्लुक के शुबे में पंजगोर से कई मुशतबा अफराद जेर हिरासत। खुद को उड़ाने वाले बम्बा की शनाख्त के लिए CTD का CPLC से रब्ता। कराची में अब्बास टाउन से 8वीं जमात की 15 साल तालबा का मुबैना अफवाह। तफ्तीशी पुलिस के मुताबिक रहीम यार खान पुलिस ने बताया है कि बच्ची ने मर्जी से निकाह किया है। अस्मा ने निकाह नामे में उम्र 19 बरस लिखवाई है। बच्ची की वालदा कहती हैं अस्मा की उम्र 15 साल है। महकमे दाखिला से इजाजत के बाद पंजाब जाकर बच्ची को बाजियाब कराया जाएगा। कराची में कोरंगी पुलिस ने ताजरों से भत्ता मांगने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम फरार ने मफरू साथी के हमरा ताजर से 20 लाख भत्ते की रकम का मुतालबा किया था। मुलजिमान ने ताजर और फैमिली को कत्ल की धमकी दी और दुकान पर फायरिंग की। थाना जमान टाउन में ताजर की मुदैयत में भत्ता खोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुराना गोलीमान में फायरिंग से शहरी की हलाकत। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। साहिवाल में ब्यूटी पार्लर में डकैती की अनोखी वारदात। मेकअप करवाने के लिए आई 4 दुल्हनें लुट गईं। 3 डाकू खवातीन के भेस में ब्यूटी पार्लर में दाखिल हुए। दुल्हनों का 18 तोला तलाई जेवर और मोबाइल फोन लूट कर फरार। मुल्क में तूफानी बारिशों से तबाही, 61 अफराद जान बहक, दर्जनों जख्मी। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 46, बलूचिस्तान में 15 अफराद लुकमय जल बने। बाजों में छत गिरने से 2 अफराद जान बहक। दीरबाला में तूफान में फंसेने वाले 2 बच्चे जान बहक, 8 अफराद बेहोश। पेशावर और लोयती में 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए। पाक फौज का बलूचिस्तान के बारिश और सैलाब मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन। मुश्किलात के बावजूद पाक फौज की रेस्क्यू टीमें तमाम इलाकों तक पहुंच गई। मुतासरीन में खाने के पैकेट, सदवियात, राशन और पीने का पानी पहुंचाया। टूट फूट का शिकार रास्तों की मरम्मत। हेलीकॉप्टर्स की मदद से 150 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। आसमानी बिजली और छतें गिरने से 15 अफराद जान बहक। घरेलू मुलाजमा रिजवान पर तशद्दुद की मुलजिम मासूमिया बीमार, अदालत में पेश ना हुई। सिविल जज ने हाजिरी सूचना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील के मुताबिक डॉक्टर ने सोमिया को एक हफ्ते बेड रेस्ट का कहा। जज ने रिमार्क्स दिए, सोमिया आसिम एक तारीख पर आती हैं, 2 मरतबा हाजिरी से सूचना की दरख्वास्त आ जाती है। पर्दे जुर्म में नया चार्ज शामिल करने के हवाले से प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर दलाइल तलब।
मिलत एक्सप्रेस में खातून की मौत का जिम्मेदार कौन? बोल न्यूज इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने ले आया। रिपोर्ट में हैदराबाद रेलवे के SHO और ASI को गफलत का जिम्मेदार ठहराया गया। बताया गया अहलकार मीर हसन तशद्दुद के बाद हैदराबाद में उतर गया। खातून रात भर बगैर टिकट ट्रेन में सफर करती रही। SHO कैंट रेलवे ने जाँच के बाद हालात को नॉर्मल करार दिया था। खातून को हैदराबाद में उतार लिया जाता तो जिंदगी बच जाती। पाकिस्तान में चीनी जबान और अदब की तरावीज के लिए सरकारी और निजी सतह पर हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। चीनी जबान के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा चीनी जबान हजारों साल पुरानी चीनी सकाफत की अक्कास है। CPEC के बाद पाक चीन माशी और सकाफती ताल्लुकात तेजी से फरोग पा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि चीन ने दुनिया में माशी तौर पर अपना लोहा मनवाया, दुनिया चीन और चीनी जबान की अहमियत को तस्लीम करती है। नेतन्याहू के खून की प्यास न बुझी, गजा पर हमलों के 195 रोज मुकम्मल, मजीद 42 फलस्तीनियों की जान ली, मजमू शहादतें 34,000 से बढ़ गईं। मगरबी किनारे में 5 फलस्तीनी शहीद, बख्तरबंद हमले में 4 इसराइली फौजी जख्मी, रफा में सहूनी फोर्सेस ने रिहायशी इमारत को निशाना बना डाला। ईरान पर कोई फिजाई हमला नहीं हुआ, ड्रोन हमले के पीछे इसराइल का हाथ नहीं, ईरानी उसे ख्वाजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहान की वजाहत, कहा कि जब तक इसराइल कोई बड़ा हमला ना करे ईरान जवाबी कार्रवाई का इरादा नहीं रखता। इसराइली हथियार खिलौने की तरह हैं जिन्हें हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, ईरान के खिलाफ कार्रवाई करके इसराइल पछताएगा। अमरीका ने नेतन्याहू की दरंदगी पर चुप साध ली। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस ने कहा कि कशीदगी में कमी के लिए इत्तेहादी और शराकत दारों से मुशावरत जारी है। दूसरे T20 में न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को 91 रन का हदफ, कीवीज की पूरी टीम 90 रन पर ढेर हो गई। कीवी बैटिंग लाइन पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने रेत की दीवार साबित हुई। कोई भी मेहमान बल्लेबाज एतमाद से ग्रीन शर्ट्स का सामना नहीं कर सका। शाहीन शाहफरीदी के 3 शिकार, आमिर शादाब और इब्रार अहमद ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। मोहम्मद रिजवान को कौमी टीम का नायब कप्तान बनाने का फैसला, कौमी सिलेक्शन कमेटी और कप्तान ने कोच से मुशावरे के बाद नाम फाइनल कर लिया। शाहीन अफरीदी के कप्तान बनने पर भी मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। न्यूजीलैंड के बाबर आजम के नायब की जिम्मेदारियां संभालेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।